हेलो गाइज, कैसे हो सारे? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होगे। तो गाइज आज हम लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप का सीवी एडिटिंग सीखने वाले। एंड गाइज ये प्रोफेशनली सीवी एडिटिंग होने वाला है, यानी कि नॉर्मल सीवी एडिट नहीं होने वाला। आज हम लोग प्रोफेशनली सीवी एडिटिंग करने वाले हैं कि इस फोटो को सारे हम लोग चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जो हेयर एंड जो सीवी इफेक्ट आता है ना, वो सब कुछ आज हम लोग ये फोटो में डालने वाले। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बनने वाला है। एंड आज का वीडियो बहुत ही कम स्टेप में आज हम लोग सीखने वाले। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। एंड गाइज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक ने मेरा इंस्टाग्राम को भी नहीं फॉलो किया तो जाओ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज बैकग्राउंड को हम लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेंगे। एंड गाइज पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आते ही कुछ इस तरह का आप लोग का यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे जो बैकग्राउंड के साथ आप लोग के यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेना है। सो गाइज फर्स्ट नंबर स्टेप में हम लोग ऐड फोटो में जाके मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एंड ऐड फोटो में जाके हम लोग यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला मॉडल को हम लोग ऐड करने के बाद गाइज इसका जो हम लोग यहाँ पे जूम करेंगे एंड इसके जो ओरिजिनल बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे रिमूव कर लेंगे, मतलब कि ओरिजिनल बैकग्राउंड को यहाँ पे इरेज कर लेंगे, ठीक है। ये वाला आइकन पे कर देना है क्लिक, ठीक है, कटआउट टूल्स पे, ठीक है। कटआउट टूल्स पे क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे फोटो कर लेना है जूम। एंड गाइज देख सकते हैं इसका मैजिक ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाहर के साइड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली सेव आइकन पे कर देना है क्लिक। एंड गाइज देख सकते कितना आसान तरीके से आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड उसका इरेज हो गया, ठीक है। तो मैं इस वाला बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। एंड गाइज एडजस्ट करने के पहले आप लोग को यहाँ पे जो इसका टी शर्ट का कलर को यहाँ पे कर देना है चेंज, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे येलो करना है अपना, तो आप लोग को सिंपल यहाँ पे कर देना है इफेक्ट अंदर क्लिक। इफेक्ट अंदर क्लिक करने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कलर्स वाला एक आइकन मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट की तरफ मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइज इसका जो फोर नंबर पे जो ये वाला इफेक्ट है, ठीक है, कलर जी यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से डबल टैप करना है एंड आप लोग यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ह्यू को आप लोग जहाँ का भी जो येलो होगा, मतलब कि जो कलर करना चाहते हो वो कलर पर आप लोग यहाँ पे कर देना है, छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे येलो करूँगा तो येलो पे कर दूँगा, छोड़ दूँगा, ठीक है। येलो पे छोड़ देने के बाद आप लोग यहाँ पे रबर वाला टूल पे कर देना है क्लिक। एंड क्लिक करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे पूरा ही रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद आप लोग यहाँ पे फोटो को कर लेना है जूम एंड आप लोग यहाँ पे ब्रश कर लेना। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिख कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर को ड्रॉ करने के बाद आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे कर देना है क्लिक। राइट वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे फिर से राइट पे क्लिक कर देना है। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो येलो कलर आया तो यहाँ पे थोड़ा सा फीका लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे कलर ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा कलर देने के लिए आप लोग को फिर से जाना है इफेक्ट अंदर। एंड इफेक्ट अंदर जाने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पे कलर्स पे कर देना है क्लिक। कलर्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सैचुरेशन वाला एक टूल्स मिल जाएगा, उस पर कर देना क्लिक। एंड आप लोग को उससे डबल क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट को कर देना है 100। अमाउंट को 100 करने के बाद आप लोग यहाँ पे मल्टीप्ले पे कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आप लोग पिक के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अगर आपको मल्टीप्ले पे नहीं एडजस्ट करके अच्छा लग रहा है तो आप लोग ऐसे रख लेना। एंड आप लोग को नहीं अच्छा लग रहा है तो मल्टीप्ले पे कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्ले पे कर देता हूँ। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे फिर से रबर वाला टूल पे जाके यहाँ पे फिर से जहाँ कहीं भी ड्रॉ करना है उस पर ड्रॉ कर लेना। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से राइट वाला आइकन पे कर लेना है क्लिक। गाइस सिंपली आप लोग को यहाँ पे फिर से क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो कितना कलर आ गया फोटो के अंदर एंड कितना नेचुरल दिख रहा है। एंड फोटो को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ सेव कर लेना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे फेस को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे व्हाइट करना है, तो आप लोग इसके लिए टूल्स पे कर देना है क्लिक। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक कर देना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसका सैचुरेशन पे क्लिक कर देना एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा घटा लेना, जो -20, ठीक है, -20 नहीं 50 की 60, ठीक है, 50 रखने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्राइटनेस पे कर देना है क्लिक।
ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, जो लगातार 4, ठीक है। ब्राइटनेस को 4 रखने के बाद आप लोग यहाँ पे रबर वाला आइकन पे कर देना है क्लिक, एंड इसको पूरा रिमूव कर लेना है, एंड ब्रश को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे ब्रश कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से रेड वाला आइकन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। एंड गाइज देख सकते हैं इस पर जो फेस का ऊपर व्हाइट भी आ गया है, ठीक है। एंड गाइज इसका सनग्लास का अंदर जो कलर नहीं है, ठीक है, तो कलर नहीं आने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक PNG ऐड कर लेना है। तो गाइज ये बैकग्राउंड का लिंक एंड PNG का सारे जो भी आज फोटो में हमने यूज करने वाला है सारे का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फिर से ऐड फोटो पर क्लिक, एंड एक PNG ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कलर को यहाँ पे चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पे इफेक्ट के अंदर कर देना है क्लिक। इफेक्ट के अंदर क्लिक करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फिर से कलर्स पे आप लोगों को क्लिक करना है, एंड आप लोगों को कलर जी पे फिर से क्लिक करना है, ठीक है। कलर जी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से यहाँ पे ईओलो पे छोड़ देना है, एंड देख सकते हैं यहाँ पे ईओलो, ठीक है। ईओलो पे छोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पे रेड वाला आइकन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे जो यहाँ पे जो चश्मा है उस पर आप लोग यहाँ पे ब्रश कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ब्रश। सो गाइज आप लोग यहाँ पे ब्रश करने के बाद आप लोग सिंपली ये वाला आइकन पे कर देना है क्लिक, राइट वाला आइकन पे, ठीक है। एंड क्लिक करने के बाद इसका ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। तो लगातार मैं रख देता हूँ 81, ठीक है, आप लोग फोटो के हिसाब से आप लोग रख लेना है। तो फिर से मैं राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो ये वाला आइकन पे कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कुछ PNG और ऐड कर लेना है, तो आप लोग को सारे का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ PNG ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे स्मोक वाला एक PNG ऐड करूँगा, उसके बाद एक लाइट वाला, ठीक है, दोनों ही ऐड कर लेता हूँ। तो स्मोक वाला पहले नंबर पे यहाँ पे हम लोग बेलिन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। बेलिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे रख देना है, ठीक है। स्क्रीन पे रख देने के बाद आप लोग जैसा लग रहा है स्मोक नीचे से आ रहा है, ठीक है, वैसा आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, एंड इसका आप लोग यहाँ पे ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। ऐसा करके ओपेसिटी को कम कर लेना है, लाइट वाला आइकन पे कर देना है क्लिक, जो लाइट वाला PNG, ठीक है। PNG पे क्लिक करने के बाद आप लोग को वही बेलिन पे क्लिक करना है, वही स्क्रीन रख देना है, ठीक है, एंड आप लोग को इधर सेट कर लेना है। एंड गाइस देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है फोटो, एंड जो CB की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे राइट वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइस देख सकते हैं डन करने के बाद यहाँ पे रियल CB एडिटिंग, मतलब कि प्रोफेशनल CB एडिटिंग आ गया इस फोटो के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे फोटो को, आप लोग हेयर को आप लोग थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं ऑटोडेस्क एक्सेसिबल एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करके यहाँ पे फाइनली एडिटिंग हो गया पिक्सेट एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट। यहाँ पे फोटो कर लेता हूँ सेव, 3 डॉट पे क्लिक करके, ठीक है, सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस इसका जो हेयर मतलब कि आप लोग हिसाब से रख लेना फोटो के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे हेयर पे चला दूंगा, ठीक है, तो ऐसा करके आप लोग यहाँ पे चला देना। अगर देख सकते हैं कितना स्मूथली यहाँ पे हेयर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है।
पे सेकंड नंबर पे फेस पे कर देना स्मूथ, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से वही वाला टूल्स पे कर देना है क्लिक, एंड वही वाला ब्रश को आप लोग यहाँ पे साइज को यहाँ पे वही वाला ब्रश पे क्लिक करके यहाँ पे साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। फ्लोर को रख देना है 1% एंड इसको रख देना आप लोग का यहाँ पे 7%, ठीक है। एंड साइज को आप लोग का यहाँ पे मैं यहाँ पे जल्दी से करूँगा तो मैं यहाँ पे 20 रख लूँगा। आप लोग का यहाँ पे 10 and 8 करके थोड़ा सा आप लोग कम करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे फास्ट क्लिक करूँगा। एंड गाइस देख सकते हैं स्मूथ भी हो गया, हेयर भी एडिट हो गया, ठीक है। फोटो हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो फोटो को यहाँ पे सेव पे क्लिक करके गैलरी पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस यहाँ पे सेव एंड स्केच पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड गाइस फाइनली यहाँ पे फोटो हो गया सेव। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।